आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आपको आई होप लेक्चर समझ आ रहे हैं जो भी हम पार्ट कम्प्लीट कर रहे हैं एंड आप ध्यान से अच्छे से समझ पा रहे हो ईच एंड एवरी थिंग सो एज़ यू वेज नो ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटमी का सेशन चल रहा है हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन के कोर्स में उसमें मैंने प्रीवियस सेशन में ब्लड कम्प्लीट करवा दिया था तो जो आज का हमारा सेशन होगा इट इज ऑल्सो ऑन द फ्लूड जो बॉडी के अंदर एक फ्लूएड प्रेजेंट है पहले हमने ब्लड के बारे में डिस्कस कर लिया है द नेक्स्ट पार्ट इज द लिम्फ लिम्फ एक और टाइप का फ्लूएड है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो आज के सेशन में हम लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे सो लेट्स डू इट लिम्फ सो सबसे पहले हमने जब ब्लड के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था सिमिलरली लिम्फ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे लिम्फ है क्या लिम्फ की वी कैन से कि हाउ वट इज द नेचर हाउ इट लुक लाइक सो जैसे ब्लड के केस में भी डिस्कस रेड इन कलर है फ्लूड है लाइक दैट राइट सो लिम्फ इज ऑल्सो इट इज अ फ्लूड इट इज एक्चुअली द कलर लेस फ्लूड कलरलेस फ्लूड और लिम्फ जो है ये जो फ्लूएड है जैसे ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पॉटेंट पार्ट है सिमिलरली जो लिम्फ है हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सो लिम्फ इज़ दी पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम इट इज दार्ट ऑफ लिंफेटिक सिस्टम ऑल्सो लिंफेटिक सिस्टम सो इन दिस से हम ये डिस्कस करेंगे कि लिंफेटिक सिस्टम के पार्ट क्या क्या हैं पार्ट फ्रॉम द लिंफ डेफिनेटली उसके साथ साथ वी विल डिस्कस कि लिम्फ फॉर्म कैसे हो रहा है लिंफ बन कहां से रहा है इफ अगर मैं बोलूं कि जो लिंफ है वो ब्लड से ही बन रहा है यू वेज विल बिलीव और नॉट लिम्फ जो है एक्चुअल में ब्लड से ही बन रहा है सो बेसिकली लिम्फ इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो लिम्फेटिक सिस्टम्स के पार्ट्स की अगर बात करें कि लिम्फेटिक सिस्टम पूरा एक सिस्टम है वो कैसे बन रहा है लिम्फ तो एक फ्लूड है सो so, वो फ्लूड कहीं तो प्रेजेंट होगा उस फ्लूड के लिए कुछ स्पेसिफिक चैनल्स होंगे कुछ स्पेसिफिक वेसल्स होंगे राइट right? तो लिम्फेटिक सिस्टम की अगर बात करें लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स जो हैं लिम्फेटिक सिस्टम्स के पार्ट्स में लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स दीज आर पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम उसमें लिम्फ होगा लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड्स एंड द लिम्फेटिक ऑर्गन सो टुगेदर दे विल फॉर्म द लिम्फेटिक सिस्टम अगर हम लिम्फ की बात करें फ्लूड कलरलेस फ्लूड इम्यून सिस्टम का पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का भी पार्ट है एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड उसके साथ साथ लिंफ हैव और लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के मेन सेल्स हैं दे आर द लिंफोसाइट्स लिंफ के अंदर लिम्फोसाइट्स हैं सेम लाइक ब्लड लिम्फ का जो नेचर है नेचर इज एल के लाइन सो so, अगर लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस की बात करें तो उस केस में लिम्फ हैव द लिम्फोसाइट्स राइट और लिम्फ इज अ फ्लूड जो लिम्फेटिक सिस्टम के केस में एक एज अ सर्क्यूलेटरी फ्लूड फंक्शन कर रहा है बिकॉज जो ये लिम्फ फ्लूड है इट कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर राइट लिम्फ वेसल्स हैं ये चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से और जो एक पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लिम्फ के फ्लो के लिए एंड जो लिम्फ नोड्स हैं लिम्फ नोड्स क्या है फिल्ट्रेशन का, का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ बॉडी uh, का जो डिफेंस मैकेनिज्म है मेजर डिफेंस मैकेनिज्म जो मेजर इम्यून सिस्टम के रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ हैं दे आर गोइंग हियर, लिम्फ नोड्स इनसाइड द लिम्फ नोड्स लेट सपोज कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो लिम्फ नोड्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एरिया है उन उस इन्फेक्शन के साथ फ़ाइट करने के लिए नेक्स्ट पार्ट इज द लिम्फेटिक ऑर्गन ये वो ऑर्गन हैं जो मेन इम्यून सिस्टम के सेल्स की जहां पर ग्रोथ हो रही है और इन अदर वर्ड्स अदरवर्स से कि लिंफोसाइड्स जो उनकी फॉर्मेशन हो रही है राइट सो द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम

लिम्फ नोड्स आर द मेन साइट जैसे मैंने बोला कि ये मेन साइट है जहाँ पर इम्यून सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी के हैं बहुत ही एक्टिव हैं इट इज द मेन साइट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कि जहाँ पे डिफेंस रिएक्शंस चल रहे हैं किसी बैक्टीरिया या वायरस के साथ फाइटिंग करनी है सेल्स ने सो इट इज द मोस्ट एक्टिव एरिया मैं ये नहीं बोल रही कि सिस्टम में बाकी कहीं कुछ नहीं हो रहा बट दिस इज द मोस्ट एक्टिव एरिया उसके साथ साथ लिम्फ नोड्स प्रोवाइड साइट फॉर लिंफोसाइट एक्टिवेशन एंड मेच्यूरेशन की जो लिम्फ सेल्स हैं सेल्स इस साइड्स पर लिम्फ नोड्स में मेच्योर भी हो रहे हैं अगर लिम्फ लिम्फेटिक ऑर्गन्स की बात करें तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी साइट प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर जो ये सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही है लिम्फेटिक ऑर्गन्स प्रोवाइड साइट

प्रोडक्ट फ्रॉम टिशू टू ब्लड टिशू से ब्लड तक जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो कैरी करने का काम जो है वो लिम्फ का ही है एंड लिम्फ वेसल्स जो है वो पैसेज वो एक रस्ता बना रहे हैं लिंफ वेसल्स फॉर्म अज टू कैरी लिम्फ इज फ्लोइंग थ्रू दीज वे नाउ एज आईव टोल्ड यू की लिम्फ की फॉर्मेशन कैसे हो रही है लिम्फ जो है ब्लड की ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है द कलरलेस पार्ट नॉट द आरबीसी ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी हैं राइट सो वाइट ब्लड सेल्स का जो वो पार्ट है वो ब्लड वेसल्स जो सर्कुलेटरी uh, सिस्टम का पार्ट है उसकी जो कैपिलरीज हैं, उनसे ऊज आउट होके मीन्स उससे बाहर निकल के आ जाता है एक एम्टी स्पेस में और उस एमटी स्पेस से वो एंटर हो जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में सो दिस इज़ हाउ द लिम्फ इज फॉर्म सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द लिंफेटिक सिस्टम नेक्स्ट पार्ट इज की लिंफ की फॉर्मेशन कैसे हो रही है now just imagine this is the blood vessel so this is the lymph formation and the lymphatic vessel here and this is the tissue this is blood capillary and this is the लिम्फेटिक कैपिलरी आर्टरीज वेन एंड कैपिलरीज के बारे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फॉर नाउ यू शुड नो कि ये वेजल्स ही हैं ये वो चैनल्स हैं ट्यूबलेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें से इसमें से लिम्फ फ्लो कर रहा है इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है सो आर क्वेश्चन इज के लिम्फ कैसे फॉर्म हो रहा है सो दिस इज द ब्लड राइट ब्लड में रेड ब्लड सेल्स भी हैं व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं प्लेटलेट्स भी हैं तो यहाँ से ब्लड में से जो वाइट फ्लूड है वाइट फ्लूड जो है वो बाहर आ जाएगा कैपिलरीज की हेल्प से सो so, ये वाइट दैट हैव दी उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स ही होंगे रेड ब्लड सेल्स भी नहीं होंगे प्लेटलेट्स भी नहीं होंगे व्हाइट फ्लूड जो है वो बाहर आ जाएगा ऊज आउट हो जाएगा एंड इट विल एंटर इन टू कैपिलरी दिस इज हाउ जो है लिम्फ लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर हो गया उसके बाद क्या होता है जैसे मैंने मेंशन किया था कि लिम्फ का फंक्शन क्या है अभी टिश्यू से कोई वेस्ट टिश्यू से कोई वेस्ट आया वो सबसे पहले एंटर हो जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरी में उसके बाद वो एक्सचेंज होगा ब्लड में सो यू कैन सी कि लिम्फ जो है वो ब्लड से लिम्फेटिक कैपिलरी की तरफ जा रहा है उसके साथ-साथ अगर वी विल से किसी चीज का ट्रांसपोर्ट होना है लेट सपोज की कोई प्रोडक्ट है कोई भी प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोर्ट होना है से टिश्यू तक या सेल तक तो वो विद हेल्प ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी टिश्यू के अंदर चला जाएगा टिश्यू से अगर वेस्ट आनी है टिश्यू से वेस्ट जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर होगी उसके बाद इट विल गो टू द ब्लड क्लियर सो दिस इज हाउ बेसिकली जो लिम्फ है लिम्फ की फॉर्मेशन हो रही है सो वाइट फ्लूड ऊज आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरी की बाहर निकल रहा है एंड इट विल एंटर इनटू लिम्फेटिक और टिश्यू से जो वेस्ट है और ये डॉट्स वाला जो पार्ट है इट इज ब्लड कैपिलरी ताकि आपको इजीली आप डिस्टिंग्विश कर पाओ तो दिस इज द टिश्यू टिश्यू से वेस्ट जाएगा लिम्फेटिक कैप्यरी में उसके बाद इट वि ब्लड सो दिस इज हाउ लिम्फेटिक सिस्टम विल फंक्शन और कैसे लिम्फ जो है वो वेस्ट को टिश्यू से लेकर आ रहा है एंड ब्लड में सेंड कर रहा है एंड लिम्फ कैसे फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द ब्लड अलग से नहीं फॉर्मेशन हो रही ब्लड से ही बन रहा है नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लिम्फ नोड्स तो लिम्फ नोड्स हैं क्या नोड लाइक स्ट्रक्चर है मीन्स कुछ सर्कुलर नोड वर्ड सुनते हैं कुछ थोड़ा सा सर्कुलर शेप हमारे हम सोचने लग जाते हैं राइट right? सो so, इनको जो लिम्फ नोड्स हैं ये इनको हम लिम्फेटिक ग्लैंड भी बोलते हैं सो लिम्फेटिक ग्लैंड बिकॉज यहां क्या है लिम्फ है सो दे विल कीप ऑन वी कैन से कि सेटिंग द लिम्फ उसके साथ साथ ये मेन साइट है जहां पर इन्फेक्शन के साथ सेल्स जो हैं वो फाइट कर रहे हैं बेसिकली इनकी अगर शेप की बात करें तो लिम्फ रूट स्मॉल हैं ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है एंड दिस इज अ मेन साइट फंक्शंस में आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि दिस इज द मेन साइट तो बेसिकली यहां क्या है ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है क्लस्टर है कि लेट सपोज क्या है मेड इट लाइक दिस तो ये ग्रुप है सेल्स का तो ये एक नोड हो जाएगी लिम्फ नोड है स्मॉल है ओवल ओवरल शेप एंड ग्रुप है सेल्स का जो मिलके फंक्शन कर रहे हैं क्या फंक्शन कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम के रिलेटेड जो भी फंक्शन है कि लिम्फ का फ्लो होना फ़िल्ट्रेशन होनी एंड बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन के साथ फ़ाइट करना सो ईच एंड एवरी थिंग इज़ गोइंग इनसाइड द लिम्फ नोड्स बेसिकली लिम्फ नोड्स ये ग्रुप ऑफ सेल्स है या ग्रुप ऑफ ग्लैंड ही हैं बिकॉज सेल टुगेदर एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सिक्रीशन का तो वो ग्लैंड हो जाता है सो so, इस केस में मेनली ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है नेक जोन में एबडोमिन जोन में सो ये लिम्फ नोड्स दे आर प्रेजेंट इन नेक एरिया एबडामिन एरिया थॉरेक्स ग्रोइन पूरी बॉडी में ये स्प्रेड आउट हैं एंड जो लिम्फ वेसल्स हैं लेट सपोज आई एम मेकिंग इट लाइक दिस कि ये एक लिम्फ वेसल है यहां से एक और लिम्फ वेसल है यहां से एक और लिम्फ वेसल है दे विल कीप दे विल ज्वाइन एक दूसरे को वो ज्वाइन कर रहे हैं लिम्फ नोड्स में तो लिम्फ नोड्स जो है एट दिस प्लेस लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को एंड दे विल कैरी द लिम्फ तो ये एक क्लस्टर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है फिर कि ग्रुप बन गया है सेल्स का लिम्फ वेसल्स भी यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं सो दे बिकेम द मेन एरिया जहाँ पर लिम्फ की फिल्ट्रेशन होगी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन है उससे जो सेल्स हैं वो मिलके फाइट करेंगे क्लियर सो आफ्टर दिस द पार्ट इज लिम्फेटिक ऑर्गन्स तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स को भी मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लिम्फेटिक सिस्टम में है नेक्स्ट इज द लिम्फेटिक ऑर्गन्स प्राइमरी लिंफेटिक ऑर्गन्स Secondary lymphatic organs. सो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन वो मेन ऑर्गन है जहाँ पर जो लिम्फेटिक सिस्टम के सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही है और सेकेंडरी लिम्फर्ट ऑर्गन वो ऑर्गन है जहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम के जो सेल्स हैं उनकी मैचोरेशन हो रही है एंड वो दे आर डूइंग देयर फंक्शन और इम्यून सिस्टम के रिलेटेड कोई जो भी प्रोसेस चल रही है कोई फंक्शन चल रहा है वो सेकेंडरी लिम्फर्ट ऑर्गन में सो प्राइमरी लिम्फर्ट ऑर्गन ये मेन साइट है तो ये प्राइमरी है मीन्स ये मेन ऑर्गन है दे आर द मेन ऑर्गन लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन एंड सेकेंडरी ऑर्गन जो है दे आर दी सेकेंडरी ऑर्गन डेफिनेटली और ये वो साइट है जहां पर जो लिम्फोसाइट्स हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के सेल्स हैं उनकी मेचुरेशन मीन्स वो मेच्योर भी हो रहे हैं एंड वो फंक्शन भी कर रहे हैं अपना सो so, मेचुरेशन

We have spleen, thymus, tonsils, pear patches. दीज़ आर दी लिम्फेटिक ऑर्गन्स सो इन दिस केस मेनली स्प्लीन एंड थाइमस की अगर बात करें दे आर द प्राइमरी इन्फेक्टिक ऑर्गन मीन्स यहाँ पर सेल्स की फॉर्मेशन भी हो रही है सेल्स डेफिनेटली डिस्ट्रॉय भी होते हैं कुछ अगर स्पेसिफिकली स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आर बी सीज बिकॉज जो आर बी सीज डैमेज हो जाते हैं वो यहाँ आकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन एंड थाइमस इस जोन में लिम्फोसाइड्स की मेच्यूरेशन भी हो रही है स्पेसिफिकली फाइल टॉक अबाउट थाइमस सो इट इज द मेन साइट ये मेन साइट है जहां पर बी और टी लिम्फोसाइट्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो रही है सो so B and T lymphocytes formation in thymus.

सो so, आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में ये पता होना चाहिए कि लिम्फ नोड्स क्या हैं लिम्फ़ वेसल्स क्या हैं लिम्फ़ बनता कैसे है और लिम्फेटिक जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं एंड प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स या सेकेंडरी लिम्फॉयड ऑर्गन्स में मेन फ़र्क क्या है क्या डिफरेंस है अगर स्प्लीन और थाइमस की बात करें तो स्प्लीन में और थाइमस में जो सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है मीन्स वो मेन जगह है जहाँ पर जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो बनने हैं राइट right? इसके अलावा जो बाकी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर एक्शन होगा जो इम्यून सिस्टम के रिलेटेड कोई भी एक्शन होना है वो होगा एंड लिम्फ नोड्स में यू शुड नॉट फॉर्गेड कि जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पर जो वेसल्स हैं वो वो आके ज्वाइन हो रही हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल्स हैं दे विल कम एंड दे विल दे विल ज्वाइन राइट सो विद दिस वी आर डन विद द लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो आई होप आपको जो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जितना भी मैंने करवाया है ये पार्ट अच्छे से समझ लगेगा सो so, अच्छे से इस लेक्चर को सुनो एंड समझो एंड वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू मिस एनी लेक्चर बिकॉज ये जो सेक्शन है ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का न्यूट्रिशन का जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे उस पार्ट के लिए आपको इस सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदरवाइज आपको उस पार्ट में भी कुछ नहीं समझ लगेगा राइट सो आई होप आपको अच्छे से समझ लग रहा है सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर